सिरकी के मामले को आप सबने देखा, हत्या के पहले उनके साथ दुष्कर्म की भी बात हुई होगी। बीते 59 दिन बाद सीबीआई वापस पहुंच गई है साहिबगंज। रूपा तिर्की के मौत के मामले का वापस से छानबीन शुरू हो चुका है। जी हां, सीबीआई को अभी तक बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो उसने इकट्ठा करा है, जो इस केस में आगे उनकी मदद करने वाला है और जो तथ्य का साक्ष्य को सामने रख करके पूरा का पूरा फैसला होने वाला है। इसी सिलसिले में द नेटवर्क के संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती खजूर ने कुछ बातें कही, आइए सुनते हैं। सिरकी के मामले को आप सबने देखा और जिस हिसाब से उसकी डेड बॉडी मिली थी, जो सिचुएशन रहा था और उसमें कहते सरकारी क्वार्टर में और पुलिस के नाक के नीचे पुलिस पदाधिकारी का, वो भी महिला, वो भी आदिवासी महिला और वो महिला जो कि बहुत सारे जो ट्रैफिकिंग के इशूज़ को, बहुत सारे महिलाओं के जो बलात्कार के इशूज़ थे, वहाँ के जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ जो केसेस थे, उन केसेस को वो देख रही थी। और ये भी साबित हो गया कि उनको घर बुला के, जिन पर आरोप लगा है, घर बुला के धमका के मैनेज करने की भी बात कही गई थी। और उसके जगह पर जब उनकी इस हिसाब से नृशंस हत्या होती है और जिस हिसाब से जो एक पुलिस पदाधिकारी की अगर आप आत्महत्या की भी बात करते हैं तो उस हिसाब से जो नॉर्म्स जो फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं, और उनके परिजन जबकि खुद कह रहे हैं कि उनकी मतलब आत्महत्या नहीं हत्या है, और आप उनकी FIR नहीं लेते हो और एक पुलिस के FIR पर आप UD केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करते हो, और तमाम जो घटना उसका डेड बॉडी उसका चोट चिक चिक के कह रहे हैं कि उसकी हत्या हो सके, हत्या के पहले उनके साथ दुष्कर्म की भी बात हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार इस पर मानने के लिए तैयार नहीं थी, लोगों के कहने, परिजनों के, भारतीय जनता पार्टी ने और जन संगठनों ने मिलकर जो CBI जांच की जो बात कही है, तो ये CBI जांच जो हाईकोर्ट ने इनके इस इशू को जिस गंभीरता से लिया, जिसमें कि आपके जज सुरक्षित नहीं है, महिला पुलिस पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के क्या हाल है, तो इस विशेष पर जो उन्होंने CBI जांच का जो आर्डर दिया। रूपा तिर्की मैम पे ही आरोप लग रहा है कि इनका मतलब किसी के साथ बहुत गंदा आरोप लगा है, बोलने में शर्माता है कि इनका किसी के साथ संबंध था इसलिए ऐसा दुष्परिणाम इनके साथ ऐसा हुआ। ये एक तो रूपा तिर्की की हत्या, उसकी उसको आप न्याय नहीं दे सकते हो, और अगर न्याय नहीं दे सकते तो उसके चरित्र को हनन करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और आप मान लें मेरा व्यक्तिगत किसी को अगर हम पसंद कर रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत कोई बात है, उस व्यक्तिगत बात को आपको किसने अधिकार दिया कि सारे जगह आप सार्वजनिक करो, और सार्वजनिक करके किसी के मरने के बाद, वो भी आपकी पुलिस की पदाधिकारी थे, मरने के बाद उसके चरित्र का हनन करने का कोई आपको कोई राइट है ही नहीं। तो ये इन सारी बातों से, सारे सर्कमस्टांसेस से ये पता चलता है कि आप सीधा सीधी रूपा तिर्की के केस को दबाना चाह रहे हैं। रूपा तिर्की में जितने बढ़े चढ़े लोग या बहुत पहुंच वाले लोग, ये सत्ता सफेदपोश लोगों का जो नाम आया है, सीधा सीधी सरकार के कारतूत से ये पता चलता है कि उन सारे लोगों को बचाने के लिए रूपा तिर्की को एक तो मार भी दिया और उसके साथ उनके चरित्र पर भी हनन करने का आप काम करें, जो कि आपको कोई अधिकार नहीं है। यानी कि हत्या पे भी आप पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि आरती खजूर ने क्या कहा द्रेगो के संवाददाता से, और बात जब तक CBI किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती है, हम किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। रूपा की हत्या हुई थी या रूपा ने खुदकुशी किया था, ये अभी भी एक सवाल है। हालांकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग समर्थन में खड़े थे, उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिली थी कि हाँ, कोर्ट ने CBI की जांच का आदेश दिया है, अब CBI अपने उस जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। फिर से एक्शन में पहुंची है CBI, साहिबगंज या इंटरसिटी से पहुंची दोपहर को, और पहुंचते ही सबसे पहले सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया CBI ने। रूपा तिर्की के मौत के मामले में और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहिए द नेटवर्क।